आज की इस भागती दौड़ती जिंदगी में हर कोई व्यस्त है। ऐसे में अभिभावक भी अपने बेटे बेटियों के उज्जवल भविष्य के लिए उन्हें अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं। ऐसे में स्कूल भी अपने छात्रों को कैरियर काउंसलिंग से मदद पहुंचाता रहा है। छात्रों की उच्च शिक्षा अच्छी तरह हो जिससे वे भविष्य में एक अच्छे नागरिक बन सके। उसी कड़ी में पिछले कई सालों से कोलकाता के सेंट अगस्टाइन डे स्कूल अपने छात्रों के लिए कैरियर काउंसलिंग सेल के माध्यम से मदद पहुंचाता आ रहा है। शुक्रवार को स्कूल में 11वीं और 12वीं के छात्रों के लिए एक एजुकेशन मेले का आयोजन किया गया। इस एजुकेशन मेले में 10 विदेशी विश्वविद्यालय के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया और इन प्रतिनिधियों की मदद से छात्रों ने विदेश में हायर एजुकेशन प्राप्त करने की विस्तृत जानकारी प्राप्त की। इस तरह के शिक्षामूलक कार्यक्रमों के आयोजन से स्कूली छात्रों को काफी मदद मिल रही है। स्कूल के प्रिंसिपल ने छात्रों के लिए हर संभव मदद करने की भी बात कही। यहाँ पर में हम लोग जो इवेंट किया है, ये इवेंट ग्लोबल रीच का कोलैबोरेशन से हम लोग ये इवेंट किया है। तो ग्लोबल रीच मेरा जो जानकारी है, सब मिला के ऐसी 10 यूनिवर्सिटीज आया है फ्रॉम डिफरेंट कंट्री। उन लोगों का रिप्रेजेंटेटिव आया है, जैसे आयरलैंड से आया है, फिर आपका ऑस्ट्रेलिया का है, न्यूजीलैंड, यूके, कनाडा। होता है कि मोस्ट लाइकली ये लोग जो है, लोग सब यूनिवर्सिटी लोग का संग ही, वो लोग का संग मेल है। करियर्स हुआ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। जो भी स्कूल, उन लोग का एक तो करियर काउंसलिंग सेल होना चाहिए। जो आजकल जो ज़माना में स्कूल में बहुत सारा कम स्कूल में ये करियर काउंसलिंग सेल होती है, तो हम लोग का स्कूल में करियर काउंसलिंग सेल है। ये काफ़ी लगभग तीन चार साल से हम लोग का करियर काउंसलिंग सेल होता है। इसे हम लोग का जो काउंसलर्स लोग हैं, वो लोग दिल्ली में जाके प्रोग्राम करता है, वो लोग जाके वहाँ पर में स्टडी करता है। हम लोग स्कूल एक IC3 एफिलिएटेड है, जो करियर काउंसलिंग के लिए बहुत सारा हम लोग ये किया है। तो मेन चीज़ें आजकल ज़माना में जो इतना ढेर सारा जो करियर्स जो आ चुका है, ये करियर्स, लेकिन स्टूडेंट्स लोग को नहीं मालूम है कि क्या क्या करियर्स है। अगला का जो हम लोग का पुराना ज़माना में क्या था कि जब पेरेंट्स लोग का एक ही आइडिया था कि बच्चा जब बड़ा होगा तो उसको इंजीनियरिंग करना है, डॉक्टरी करना है, लॉयर बनना है। और ये जो तीन सफल नहीं होता है तो वो लोग का टीचरिंग में जाता है, और जब टीचरिंग नहीं सफल होता है तो पॉलिटिशियंस। तो ये हुआ वो लोग का सोच था वो। और अभी जो स्थिति है वर्ल्ड में, करियर्स इतना हो चुका है, इतना करियर्स आ गया, क्योंकि हम लोग खुद ही प्रिंसिपल होने का मुताबिक हम लोग का मालूम नहीं कि इतना नया नया करियर्स अभी हम लोग का आया है वर्ल्ड में। तो जब भी हम लोग ये करियर फेज में हम लोग जाते हैं तो हम लोग को आइडिया हो जाता है कि क्या क्या करियर्स है, क्या क्या ये है बच्चे लोग के लिए, कौन सा करियर्स, यदि बच्चे लोग बाहर जाएगा, विदेश जाएगा, तो वो लोग में वो लोग का वर्क परमिट मिल सकता है, वो लोग का सिटीजनशिप भी मिल सकता है, क्योंकि वो लोग का बच्चे लोग का अलग अलग मकसद होता है। तो ये हुआ सबसे मेन चीज़ करियर फेयर करने के लिए एक अवेयरनेस होना चाहिए, जैसे स्टूडेंट लोगों को आइडिया होना चाहिए कि क्या क्या नया नया करियर्स हम लोग का वर्ल्ड में अभी आ रहा है। आयान अनवर, हम लोग ये एडुकेशन के लिए प्रोग्राम चल रहा है यहाँ पर। अंडर ग्रेजुएट और मास्टर्स का हम लोग कोर्सेज जा सकते हैं अब्रॉड में, और यहाँ थोड़ा हेल्पफुल हो सकते हैं हम लोग के लिए। क्लास 12। आज आपके कुछ क्वेरीज क्या क्वेरीज यही थी कि हम लोग क्या पैकेज अमाउंट लग सकता है अब्रॉड पढ़ने के लिए, क्या हम लोग कौन कौन सा कोर्सेज मिल सकता है, ये सब हम लोग क्वेरीज थी। Hi everyone, this is Anna Gomes from University of Greenwich. So I'm basically dealing with a UK-based university. Ye jo university hai, this is based in UK, that is Southeast London. So here I'm over here for an event of Global Reach in say St. Augustine's Day School. So I'm letting the students know what are the courses that we offer, kya kya courses hai, kya kya tuition fees hai, kya kya scholarships, bursaries, discounts hum log kya kya de rahe hai, kya kya offers hum log ke paas hai abhi, kya kya intakes hai jo jisme students apply kar sakte. So we are giving all these kind of details to the students, and we are motivating and encouraging the students to apply for courses that are relevant to their past qualifications.
questions and are also in line with their future academic courses.